अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। यह खंडहर किसी जमाने में प्रेम नगर था। इसकी दीवारों में न जाने आज भी कितनी प्रेम कहानियां छिपी हुई हैं। यह खंडहर जुदाई की आग में जलने वाले प्रेमियों की दास्तां सुनाता है। और ऐसी ही एक प्रेमिका रूपा, जिसे यहां पर रहने वाले सब जानते हैं। रूपा को इंतजार है अपने प्रेमी का, जो चंद महीनों के लिए परदेश गया है। यह जुदाई रूपा के लिए किसी कयामत से कम नहीं। इस खंडहर में वो अपने प्रेमी को बुला रही है, एक दर्द भरा गीत गाकर, क्योंकि इस खंडहर में रूपा के प्यार का जन्म हुआ था। तुम्हारी आवाज की दीवानी है, लेकिन मैं तो तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारा भी दीवाना हूं। सुनी? नहीं सुनी। अब तुम चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, कहोगी कि मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, शोर मचाओ, कहो कहो कि मुझे छोड़ दो। इस खंडहर में तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। सुनी? नहीं सुनी। शिकारी हाथ आए हुए पंछी को छोड़ता है कभी? मेरी इज्जत मत लूटिए। आज की रात तो मैं तुम्हारी इज्जत जरूर लूटूंगा, क्योंकि ये रात फिर ना आएगी।
आप झूठ बोल रहे हैं ठाकुर जसवंत कुमार। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ ये सही है कि तुम्हारी जमीन मेरे पास कई सालों से गिरवी है जिसका सूद तुम्हारा बाप और तुम वक्त पर चुकाते आए हो और जिसकी पूरी कीमत मैं आपको 2 महीने पहले अदा कर चुका हूं। कोई सबूत जिससे कि यह साबित हो जाए कि तुमने मुझे पूरा पैसा दिया है? यही तो एक भूल हुई मुझसे। मैंने पैसे तो दिए लेकिन आपसे। लेकिन मुझ पर विश्वास कर लिया और मैं विश्वासघाती निकला। सुने नहीं सुने? आप हर बार मुझे यही जवाब देते आए हैं कि अपने कागजात कल लेकर जाना, लेकिन आज तक वो कल नहीं आया। लेकिन आज मैं अपने कागजात लेकर ही जाऊंगा। लगता है तुम अपने घर वालों से कहकर आए हो कि शमशान घाट पर तुम्हारा इंतजार करें। शमशान में इंतजार तुम्हारे घर वाले करेंगे या मेरे घर वाले, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस आदमी ने आपको पैसे तो मेरे सामने ही दिए थे। राजवंती तुम मेरे बिजनेस के मामले में दखल मत दो। क्या तुम अपने पति को नहीं जानती? तुम्हारा पति वो अजगर है जो दौलत के साथ साथ आदमी को भी निगल जाता है, समझे? भैया मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आती है कि मैं कैसे आदमी का भाई हूँ जिससे सारी दुनिया नफरत करती है। विजय, उम्र के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी बहुत लंबी होती जा रही है। राजवंती इसका सामान बांधो और इसे कहो कि मसूरी जाकर तुम्हारे बाप से वो 25,000 रुपए लेकर आए जो हर महीने वो मेरे खर्चे के लिए भेजता है। सुनी? हाँ नहीं सुनी? कहो इसे। मैंने सारा हिसाब देख लिया है रंजीत सिंह। क्या मैंने तुम्हें अपने स्टड फार्म पर मैनेजर की नौकरी इसलिए दी थी कि तुम मुझे ही टोपी पहनाओ, वो भी 50,000 की? आप इस रकम को भूल जाइए ठाकुर साहब। अच्छा क्यों? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उस रात आपने खंडर में रूपा की इज्जत लूटी थी। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि मेरी धर्मपत्नी लाजवंती भी। और फिर किसी कली को फूल बनाना ये बात नहीं थोड़ी है मेरे लिए। हाँ तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नौकर का टोपी पहनाना ये बात मेरे लिए नई जरूर है। एक बात याद रखना, अगर कल तक मुझे 50,000 रुपयों का हिसाब नहीं मिला तो परसों का सूरज तू नहीं देख पाएगा रंजीत सिंह। ठाकुर तुझे कल हिसाब मिले ना मिले लेकिन थप्पड़ का जवाब जरूर मिलेगा। रंजीत सिंह, श्रीवास्तव तुम इतनी रात गए यहां, क्या बात है? दिल्ली से बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर का तबादला हमारे कस्बे में हो गया है और वो कल ही थाने का चार्ज संभालने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें हर काम होशियारी से करना होगा। क्या नाम है उसका? सुनील मल्होत्रा। रूपा की लाश का कुछ पता चला? रूपा की लाश का मिलना कुछ नामुमकिन सा लगता है। मैं वो आदमी हूं जो नामुमकिन को मुमकिन। और मुमकिन को नामुमकिन बना देता हूं। सर यह जानने के बावजूद भी कि ठाकुर जसवंत कुमार ने ही रूपा की इज्जत लूटी, पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके। सबूत न होने के कारण? यस सर। रूपा की इज्जत खंडर में लूटी गई और उसने खुदकुशी कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी लाश खंडर में ही कहीं होगी।
कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मार डालो बाबा, मुझे मार डालो। वैसे भी तो मैं जीते जी मर ही रही हूँ गांव में मार डालने के कारण। बाबा बाबा, मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दे दो, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ तो तुम्हें कर्जा चाहिए? हाँ मालिक। हाँ तो आज रात अपनी जवान बेटी को मेरे पास भेज दो। अमीने, मालिक से नजर नहीं मिलाते, समझे? चल। साहब आप कुछ सोच रहे, यानी कि थिंकिंग? मैं सोच रहा था कि रूपा कौन थी? वो लड़की थी साहब। डंडालाल? डंडालाल नहीं सर, गिल्लीलाल। मेरे बाप का नाम डंडालाल, उसके बाप का नाम खंबालाल, उसके बाप का नाम गन्नालाल। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा मेरे लाल। थैंक यू सर। सर ये है रूपा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूपा की इज्जत लूटने के दो दिन बाद उसने खुदकुशी की। सर मेरा तो ख्याल है कि उसके खुदकुशी करने के दो दिन बाद उसकी इज्जत लूटी गई होगी। क्या बात है। नहीं श्रीवास्तव, रूपा की लाश लेने कोई आया था? कोई अजीज, कोई रिश्तेदार? जी नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो रूपा इस दुनिया में अकेली ही थी, या फिर उसका कोई रिश्तेदार जानबूझकर उसकी लाश लेने नहीं आया। वो क्यों? ताकि उसके बारे में पुलिस को कुछ पता ना लग सके और वो ठाकुर से रूपा की मौत का इंतकाम ले सके। गुलाबो, सब समझ गई ना? हाँ जगन्नाथ, मैं तैयार हूं। इंतजार है तो सिर्फ रात का। आवाज है। मैं किसी आत्मा वात्मा को नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखिए आप। चल हट। हे भगवान।
नाथ, एक बात याद रहे, विजय को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका खून क्यों हुआ। कुछ पता नहीं चलेगा ठाकुरायन, ये राज राजी रहेगा। सब कुछ खत्म हो गया विजय, सब कुछ। धीरज रखिए भाभी। विजय, धीरज के सहारे जिंदगी नहीं कटती, अब तो ये बदनसीबी ही मेरा मुकद्दर बन गई है। भाभी, तुमसे कोई कम बदनसीब नहीं हो। जिस भाई ने सारी जिंदगी भर मेरा बोझ उठाया, उसकी अर्थी तक का बोझ नहीं उठा सका मैं। विजय, विजय, जो बात मेरी समझ में आ रही है वही बात हमारे साहब के समझ में क्यों नहीं आती? कैसे आएगी? मेरी खोपड़ी कहाँ, उनकी खोपड़ी कहाँ? कौन सी बात? कौन है बे? कौन है? कोई नहीं, कोई। यस यस सर। अरे क्या बात है गिल्लीलाल? अरे बोलो बोलो, डरो मत। देखो, जब कहीं आग लगती है तो ही धुआं उठता है ना। इट्स अ सिंपल केस ऑफ फायर एंड स्मोक। समझिंग की नहीं समझिंग, यानी के आग और धुआं। नो 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 सर। नहीं 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 साहब, क्या है, इट्स अ सिंपल केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मर्डर, यानी के खून की गलत फहमी। समझिंग की नहीं समझिंग, यानी के कातिल किसी और का कत्ल करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग से, यानी के गलत फहमी से जसवंत का कत्ल कर दिया, यानी के उस ठाकुर का। समझिंग के नहीं समझिंग। वाह वाह गिरिलाल, तुम्हें तो मेरी जगह सीबीआई ऑफिसर होना चाहिए था। किस्मत की बात है साहब। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मुझ में इतनी अकल का। वो मेरा फर्ज था साहब। शट अप इडियट। यस सर। स्टूपिड। गिरिलाल, कातिल बहुत जल्द मेरे सामने होगा। मैं पूछता हूँ सुनील साहब के, कातिल आपके सामने कब होगा? मेरे भाई की चिता की आग तो कब की ठंडी हो गई, मगर मेरे सीने में जो आग लगी है वो उस वक्त बुझेगी जब मैं अपनी आंखों से कातिल को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखूंगा। अपनी उम्र से बढ़कर बातें नहीं किया करते विजय। कत्ल के केस में कातिल का ढूंढना वैसे ही है जैसे किसी जंगल में सुई का ढूंढना, जो कि एक नामुमकिन सी बात है सुनील साहब। तुम शायद ये बात नहीं जानते विजय, मैं वो आदमी हूं जो मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूँ। साहब मेरा भी कुछ ऐसा ही है साहब, मैं नमकीन को खड़ा बना देता हूँ और खड़े को नमकीन बना देता हूँ। गिल्लीलाल मिटा हो गया। हर एक कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है विजय, और तुम्हारे भाई के कत्ल का मकसद रूपा की बेइज्जती का बदला लेना। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई ने ही रूपा की इज्जत लूटी थी। क्या बात है विजय, तुम इतने। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी। तो फिर ये आंसू क्यों? ये आंसू मेरे भाई की पापों की कहानी है। कैसा पाप? अगर मेरे भाई ने रूपा की इज्जत न लूटी होती तो आज आपकी मांग में सिंदूर होता, हाथों में सुहाग की चूड़ियां होती, गले में मंगलसूत्र होता। ऐसा मत कहो विजय, ऐसा मत कहो। भाभी मगर सच तो ये है। मैं सब कुछ जानती हूँ विजय। जिस दिन मैं इस हवेली में दुल्हन बनकर आई, उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाई। जब भी वो मुझे अपनी बाहों में लेते, मुझे इस बात का एहसास होता कि मुझसे पहले भी वो किसी और को अपनी बाहों में ले चुके हैं। शायद मैं उन्हें वो खुशी न दे सकी जिसकी उन्हें तलाश थी, शायद मेरे आंचल में उन्हें वो प्यार न मिल सका जिसकी उन्हें जरूरत थी, और शायद मुझे में कोई कमी थी जिसे पूरी करने के लिए मजबूरन वो दूसरी औरतों के पास
मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आपको दिल नहीं दुखाना चाहता था। विजय, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मिसेस जसवंत कुमार, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके ख्याल में कातिल कौन हो सकता है। मेरे ख्याल में तो उनका खून रूपा की भटकती आत्मा ने किया है। मिसेस जसवंत कुमार, आप शायद ये भूल रही हैं कि ठाकुर साहब की मौत पीठ पर चाकू के वार से हुई, और ये काम किसी भटकती हुई आत्मा का नहीं बल्कि किसी जीते जागते इंसान का है। तुम्हारा क्या नाम है? गुलाबो। कत्ल गिरा तुम कहां? जैसे मैंने आत्मा की गाने की आवाज सुनी, मैं डर गई और मैंने अपने खोली का दरवाजा बंद कर दिया। और तुम? मैं अपनी खोली में सो रहा था साहब। रंजीत सिंह, तुम्हारे ख्याल में ठाकुर साहब की किसी के साथ जाती दुश्मनी थी? जी नहीं, जी हाँ, श्यामलाल नाम के एक आदमी से उनकी जाती दुश्मनी थी। श्यामलाल नाम का आदमी कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? श्यामलाल, 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 कमरा नंबर 420। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? पुलिस। आए आए ऑफ। श्यामलाल, तुम्हारी ठाकुर के साथ क्या दुश्मनी थी? उसने मेरी जमीन हड़प कर पैसे भी दिए और जमीन के कागजात भी वापस नहीं। तो तुमने वो कागजात वापस लेने के लिए ठाकुर का खून कर दिया? नहीं, ये झूठ है। पुलिस का काम है सब पर शक करना। एनीवे, मेरी इजाजत के बिना तुम इस कस्बे को छोड़कर नहीं जा सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने इस होटल की मशहूर डांसर मिस राधा अपना आइटम पेश करेंगी। मछली तो मौज खा गई, कलाई दुहाई।
ये बात मत पूछ बेटी, बस इतना याद रखना कि मेरे जीते जी तुझे और तेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। नहीं बाबा, कानून आज नहीं तो कल मेरे पापों की सजा मुझे दे ही देगा, जिसे मैं अपनी औलाद की खातिर हंसते हंसते झेल लूंगा। मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनो। आज की रात इम्तिहान की रात है, सब काम ठीक हो जाना चाहिए, वरना तुम अंजाम जानते हो, समझे? की रात है बाबा।
विजय बाबू, क्या आपने कातिल को पकड़ लिया? नहीं, बच के निकल गया। परछाई को कौन पकड़ सकता है? क्या मतलब? कातिल कोई इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा है जिसने बड़े ठाकुर का खून कर दिया। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। मगर क्यों? इंतकाम। कैसा इंतकाम? आत्मा की बात परमात्मा ही जाने, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। कल रात तुम पर जो कातिलाना हमला हुआ, उससे यह साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे भाई को मारने के बाद अब कातिल का अगला शिकार तुम हो। मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा सुनील साहब, बल्कि उसे अपना शिकार बनाऊंगा। उसे अपना शिकार बनाकर तुम फांसी के फंदे पर चढ़ जाओगे। नहीं विजय, नहीं, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और यह तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। ड्राइवर चलो। चंद महीनों की बात है, मैं लंदन से वापस आकर तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन सुनील, मेरा एक अतीत है। गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल को गले लगाना ही जिंदगी है। सुनील, मैं आज ही तुम्हें अपनी मां से मिलाने ले जाऊंगा। लगता है इंजन में कुछ खराबी है। क्या हुआ? फ्यूल पंप गर्म हो गया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, सारी रात इसी जंगल में गुजारेंगे। हाँ, तुम्हारी बाहों में। लगता है लोग जश्न मना रहे हैं। Don't do it.
जब गिरी मैं जल गया। करिश्मा, माय लव, बॉम्बे से बोल रही हो? नहीं, मैं चंदनपुर आई हूँ घूमने के लिए अपने अंकल के पास। घूमने आई हो या मुझसे मिलने? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ विजय। कितने खत लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। खत लिखे? मुझे तुम्हारा कोई खत नहीं मिला। झूठ बोल रहे हो तुम। अजी गुस्सा छोड़ो और प्यार से कहो आई लव यू, जैसे कॉलेज में क्या करती थी। आई हेट यू। माय डार्लिंग डॉक्टर, जाओ तुम विजय के साथ घूमो। देखो जब मैं जवान था तब कितनी हसीनाएं मुझ पर मरती थी, लेकिन मैंने सारी हसीनाओं को छोड़कर सिर्फ तुम्हारी आंटी के साथ प्यार किया और शादी की।
खराब हो गई। मुझे तो लगता है आपने जानबूझकर बाइक खराब कर दी। वो कैसे और क्यों? ताकि आप मुझसे रोमांस छाड़ सकें। करेक्ट। तो फिर शुरू करूं? कीजिए कीजिए, आसमान से तारे तोड़ लाइए, चांद जमीन पर ले आइए, पर कहीं से खाना तो ले आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं या खाना? ओफो, जाते हो यहाँ? जाता हूँ जाता हूँ। खाना पकाना पचाना, लड़की को पटाना। पट गई। मेरे बदन पानी में जले, पानी में जले मेरा मोटा बदन। आज कितना अच्छा दिन गया। हाँ, चोरी भी की, पकार लेके चोर भी हो गए। एक रास्ता तो राही, तू दूध मैं मलाई, पहले नहाए फिर खाए, पहले नहाए फिर खाए। अरे हमारा खाना खा गए, अरे हमारा खाना। अरे राजा, अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़ा है। अरे, अरे रुको। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। बच्चा पी पी पंछी फुर। बाय दादा, सी यू। अरे गाड़ी भी गई। गाड़ी का नंबर MAR 1483, यानी कि गाड़ी चोरी की है। समझिंग के नहीं समझिंग? हम दोनों हैं, यानी कि टू लव बर्ड्स हैं, यानी कि आपको चोर नजर आते हैं। समझिंग के नहीं समझिंग? आप चोर हो या साहूकार, काम वाले हो या बेकार, लेकिन ये कार चोरी की है। समझिंग नहीं समझिंग? इसका मतलब ये हुआ दोनों मोटों ने गाड़ी चुराई है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों अंदर जाएंगे। कुसुर बुसुर बंद करो, मीटिंग तोड़ो और ये जोड़ो, अंदर चलो पिंजरे में। अबे टुकड़े, मेरे सामने बैठते हुए शर्म नहीं आती? स्टैंड अप। चिल्लाओ मत, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? मैं बैठा नहीं, खड़ा हूँ। है इतना सा चिरूट कितना बड़ा? चुप। हॉलर साहब, बकवास बंद करो। ये लो इन दोनों के जमानत के कागजात। ये तो नकली कागजात है। असली है? नकली है। असली है? नकली है। असली है? नकली है। असली है? नकली है। असली है? ये तो बड़ा हो गया। नकली है? असली है। चुप चुप। देखो सीधे सीधे इन दोनों को रिहा कर दो, वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं मेरे अमिताभ, ऐसा मत कीजिए। कौन कहता है नकली है, ये तो असली है। चल मेरे डॉग, तू बहुत थकेला है, तुझे दूध पिलाता हूँ। बकवास बंद करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आज रात ही कागजात मिल जाने चाहिए, समझे? मैं जानता हूं तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। काम क्या है? आज रात को मुझे गए है दीप सा।
ये उसी आदमी की तस्वीर है ना जो तुम्हारे डाक बंगले में ठहरा था? हो सकता है ये तस्वीर उसी आदमी की हो, ये भी हो सकता है कि ये तस्वीर उसकी ना हो जो आदमी मेरे डाक बंगले में ठहरा था। मिस्टर राजू आनंद, इस आदमी ने अपने बारे में तुम्हें क्या बताया था? नाम बताया था श्यामलाल और कह रहा था कि जमीन का कोई टुकड़ा खरीदने के सिलसिले में चंदनपुर आया हूँ ठाकुर जसवंत कुमार से मिलने। इसका मतलब ये हुआ साहब, उन्होंने साथ में रोकड़ा यानी कि रुपया यानी कि ठंडा ठंड लाया होगा। कितना पैसा लाया था ये मुर्दे ने? चिपकली के नहीं तो क्या अनार कली के? राजू आनंद तुम जा सकते हो। खन्ना, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। मैंने जो आर लिखा हुआ लाइटर बनवाया था वो मुझसे खो गया है। मुझे मुझे फौरन वैसा ही लाइटर चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ। आपको शायद याद होगा कि मेरे पति के कत्ल के बाद आप तहकीकात के लिए हवेली आए थे। तब आपने मुझसे पूछा था कि कत्ल की रात मैंने कोई अजीब बात महसूस की थी। तब मैंने आपसे झूठ बोला था। सच तो ये है कि उस रात गाने की आवाज आई, फिर एक लाल दुपट्टा लहराता हुआ उनके चेहरे पर आ गिरा। दुपट्टा? कैसा दुपट्टा? रूपा का ये दुपट्टा। ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि ये दुपट्टा रूपा का ही है? इसलिए कि इस दुपट्टे पे रूपा का नाम लिखा है। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया को इस बात का पता चले कि मेरे पति ने ही रूपा की इज्जत। फिर आज आप सच क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आज सारी दुनिया जान चुकी है कि मेरे पति को तो उनके पापों की सजा मिल चुकी है। वो जैसे भी थे मेरे पति थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके कातिल को उनके पापों की सजा दिलवाएं। देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। ये लाइटर तुम्हारा है और ये मुझे उस जगह मिला जहां पर दो खून हुए थे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये लाइटर मेरा ही है? इसलिए कि इस पे आर लिखा हुआ है और तुम्हारा नाम आर से शुरू होता है, यानी रंजीत सिंह। इस होटल के मैनेजर का नाम भी आर से शुरू होता है, यानी राजीव कुमार। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक सबूत की गोद में छिपा होता है और आज का शक कल का सबूत बन सकता है। रंजीत सिंह,
मुझे सौदा मंजूर है। मैं रुपयों की जुबान अच्छी तरह से समझता ठकुराइन, आपका काम हो जाएगा। मुझे अपने दुश्मन की लाश चाहिए हर कीमत पर। रही बात कोर्ट कचहरी की, उससे मैं निपट लूंगी। करिश्मा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं नहीं मानता। तो कैसे मनाओ? कुछ ऐसा करो कि मेरा दिल मान जाए। क्या करूं? कुछ ऐसा कि मेरे दिल में कुछ कुछ हो जाए। तुम्हारे दिल में कुछ कुछ कैसे होता है? मेरे करीब आओ। ऐसे Thank you.
पुलिस को मुझ पर शक हो गया है। खामोश रहो, तुम चले जाओ यहां से। लेकिन जाओ, मैं कहती हूं जाओ। विजय, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? भाभी, मैंने आपके कमरे में किसी की परछाई देखी। परछाई? नहीं विजय, यहाँ तो कोई नहीं आया। लेकिन भाभी, मैंने तो आपको किसी से बातें करते हुए सुना है। नहीं विजय, यहाँ कोई नहीं आया। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, या तो शायद तुम्हें कोई वहम हो गया होगा। जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा भाभी। काम कब होगा? मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मेरे पास वक्त कम है और तुम्हारे पास रुपए है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आपका इंतजार बहुत जल्द दुश्मन की लाश पर खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखना रणजीत सिंह, कि अगर मैं तुम्हें रुपया देकर किसी और की लाश भिजवा सकती हूँ, तो किसी और को रुपया देकर तुम्हारी लाश भी। तुम ये भूल गए विजय कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि कातिल तुम्हें हवेली के बाहर कत्ल करने की कोशिश करेगा, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सुनील साहब, इससे पहले कातिल मुझे खत्म कर देता, कहीं से एक गोली चली। वो गोली मैं नहीं चलाई थी। इसका मतलब है कि मैं आपकी वजह से बच गया। और कातिल अपनी किस्मत से विजय, कातिल की निगाहें साये की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हैं, और मेरी निगाहें कातिल का पीछा कर रही हैं। कल रात मेरे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जो कातिल के हाथों से उसकी जिंदगी की लकीरें मिटा देगा। कैसा सुराग सर? रूपा के नाम ये प्यार भरा खत। ये खत कातिल की मोहब्बत की दास्तान है, जो ये साबित करता है कि कातिल का रूपा के साथ दिल का रिश्ता था, खून का नहीं। आत्मा की आवाज है जिसने मुझसे मेरा सुहाग छीना। ये किसी आत्मा की आवाज नहीं है भाभी, ये वो नकाब है जिसके पीछे कातिल ने अपना चेहरा छुपा रखा है। रुक जाओ विजय, तुम मुझे मत रोकिए भाभी, आज मैं इस कातिल के चेहरे से नकाब उतार कर ही दम लूंगा। चांदनी बिरहा गीत सुनाए, सांस आखिरी Come on.
सुनील साहब, कातिल को हवेली में किस चीज की तलाश हो सकती है? इस सवाल का जवाब या तो मकतूल दे सकता था या कातिल दे सकता है। हो सकता है कातिल की ठाकुर साहब से कोई जाति दुश्मनी थी, इसलिए उसने उनकी जान ली। लेकिन वो मिस्टर विजय कुमार की जान क्यों लेना चाहता है? विजय, मैंने हवेली की चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा रखा है, हर आने जाने वाले पर निगरानी की जा रही है। शुक्रिया सुनील साहब। हो सकता है इस इंतजाम से कातिल चौकन्ना हो जाए और वो तुम्हें हवेली के बाहर कत्ल करने की कोशिश करे, लेकिन तुम कातिल के किसी जाल में न फंसना। जैसे कोई खतरा महसूस करो मुझे फौरन फोन कर देना। कौन हो तुम? एक पहेली, एक राज। कैसा राज? कातिल का राज। कातिल? तुम क्या जानती हो कातिल के बारे में? बहुत कुछ। एक बात गौर से सुनो, कातिल तुम्हें आज रात ठीक 11:30 बजे यहाँ से 50 मील दूर सोनापुर के डाक बंगले में मिलेगा, जहाँ वो तुम्हारे कत्ल का प्लान बना रहा है। और तुम ये सब इसलिए जानती हो क्योंकि तुम भी इस प्लान में शामिल हो। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता तुम यहीं कैद रहोगी, उसके बाद तुम होगी और पुलिस। हेलो सुनील साहब। हाँ बोलो विजय।
श्रीवास्तव, ये लॉकेट नहीं, कातिल के कदमों के निशान हैं, जो मुझे कातिल तक पहुंचा देंगे। तुम्हारी जरा सी हरकत तुम्हारी जान ले सकती है। जगन्नाथ, वो तुम ही थे जो सोनापुर के डाक बंगले में इस लॉकेट की तलाश में आए थे। मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें रोकने के लिए तुम पर गोलियां भी चलाई। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं जगन्नाथ, मेरी गोली से तुम्हारे घोड़े की टांग जख्मी हो गई और तुम घोड़े के साथ झाड़ियों में गायब हो गए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं साहब? आप ही सोचिए, भला एक नौकर मालिक के घोड़े पर सवारी कर सकता है? बकवास बंद करो जगन्नाथ, आज तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या आखिर तुम हो कौन? कातिल? या उसके हमराज? साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता और मैं तो यहां था ही नहीं। मैं अपनी बेटी को मिलने बादल गांव गया था। आज मैं जब वहां से आया तो विजय बाबू ने बताया कि आपने बुलाया है, तो आपसे मिलने के लिए यहां चला आया। ठीक है, तुम जा सकते हो साहब। अच्छा सर, अच्छा साहब। सर आपको यकीन है कि ये? नहीं श्रीवास्तव, जगन्नाथ झूठ बोल रहा है। वो बादल गांव नहीं गया था, यहीं पर था, चंदनपुर में। उस पर नजर रखना। बेटी, ये राज राजी रहे, तू यहां ना आया कर। पुलिस को मुझ पे शक हो गया है। सर नीली घाटी से रिपोर्ट आई है, जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर पिए हुए था। सुनो श्रीवास्तव, जो लड़की दारू के अड्डे पर नाचती गाती है उसका नाम क्या है? राधा। राधा,
किसी राधा को नहीं जानती। मुझे पहचानती हो ना? मैं अपने आप को नहीं पहचानती, तो आपको कैसे पहचान सकती हूं? कल तक मैं ये सोचता था कि वक्त बेवफा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वक्त नहीं, इंसान बेवफा होता है। कल और आज में यही तो फर्क है। कल तक मैं किसी की राधा थी, और आज मैं एक नाचने गाने वाली हूं। राधा, आपके यहां आने का मकसद? कातिल की गिरफ्तारी। जुर्म की दुनिया का हर मुजरिम अपने शाम शराब के पैमाने में या किसी नाचने गाने वाले के आंचल में गुजारता है। मैं चाहता हूं आज की रात तुम इस लॉकेट के साथ नाचो। मुझे यकीन है कि कातिल वहां जरूर आएगा और इस लॉकेट को हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहेगी, क्योंकि कानून के माथे पर उसकी तस्वीर छप जाएगी और फांसी का फंदा उसके गले। लेकिन इसमें तो मेरी जान का खतरा है, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मुझे किसी और के लिए जीना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा राधा। इस यकीन की वजह? वजह है प्यार। मैं अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगा राधा। सुनील। हेलो विजय। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ। आज रात होटल ब्लू डायमंड में तुम्हारे भाई का कातिल पुलिस की हिरासत में होगा।
सही निकला। नमक हराम, मैं नहीं जानता था कि तू ही मेरे भाई का कातिल निकलेगा। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर, वरना अंजाम तुम जानते हो। चलो। जगन्नाथ बताओ कातिल कौन है? कातिल? हाँ बोलो। कातिल? हाँ। कौन है आप? पुलिस। जिंदगी और मौत के शतरंज के इस खेल में जगन्नाथ एक मामूली मोहरा था जो मारा गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब कातिल खुद मुझसे लॉकेट हासिल करने की कोशिश करेगा। तुम ठीक कहती हो राधा। कातिल की आजादी और गिरफ्तारी के बीच
तुम्हारी जिंदगी है जो दांव पर लगी हुई है। तुम फिक्र मत करो सुनील, मुझे कुछ नहीं होगा। इस यकीन की वजह? वजह है प्यार। मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगी। जगन्नाथ ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरी खामोशी की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये। मैं कल रात खंडर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अपने भाई की मौत का इंतकाम लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। बताओ बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विजय, गुलाबो, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन भाभी, तुम साए की तरह गुलाबो के पीछे लग जाओ। कातिल को पकड़ने का अब यही एक रास्ता है। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरी जिंदगी से दूर क्यों चली गई। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें अपनी हकीकत बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरे माजी में झांकने से इनकार कर दिया। सच तो ये है। बोलो राधा, सच क्या है? मेरी मां एक तवायफ थी। जब तुम चंद महीनों के लिए हिंदुस्तान से बाहर चले गए और तुम्हारी मां को मेरी हकीकत पता चली, तो उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। राधा, तुम मुझसे शादी करोगी? सुनील, क्या हुआ।
वो लॉकेट कहाँ है? मैं नहीं जानती। बताओ वरना। जीप पर कोई उंगलियों के निशान? ना निशान, ना दुकान, ना मकान। एक राज की बात बताओ साहब, अगर मुझे उंगलियों के निशान मिलते तो अब तक मैं कातिल को पकड़ ले लेता था। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ग्लव्स पहने हुए था। हाँ। कातिल ये समझता है कि मेरी नजरों से बच जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो आसमान की ऊंचाई में छुपे या पाताल की गहराई में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इस अंधेरी रात में गांव से इतनी दूर इस सुनसान जगह पे आपका मुझे बुलाना मेरे को समझ में नहीं आया। ताकि किसी को ये शक ना हो कि तुम पुलिस के आदमी हो। लेकिन सर, राजन काम की बात करो, रंजीत सिंह के हैंडराइटिंग की रिपोर्ट शहर से आ गई है? यस सर। आज रात को तुम हवेली में वही गाना गाओगी जो तुम आज तक गाती आई हो। नहीं, मैं वो खेल दोबारा नहीं खेलूंगी। ये मत भूलो लड़की कि जगन्नाथ ने तुम्हें मेरे जरिए तुम्हारे भाई को मारने की धमकी दी थी। हाँ, इसीलिए तो मैं अब तक। अब अगर मेरी बात मानने से इनकार किया तो कल तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे कदमों में मिलेगी। नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं।
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है तो विजय कुमार से। आज की रात तुम्हारे गीत में विजय कुमार की जिंदगी डूब जाएगी, क्योंकि ये रात फिर ना आएगी। आज मिलन का आखिरी पल ये, रात फिर ना आएगी। इसका नहीं एतबार, तेरा करो इंतजार। वही लड़की हो ना जो मेरी लाश देखना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ, तुम्हारी वजह से जिंदगी मुझसे दूर और मौत मेरे करीब होती गई। कौन हो तुम? कातिल के बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि अपने छोटे भाई राजू की जिंदगी को बचाने के लिए उस कातिल के इशारों पर मैं कठपुतली की तरह नाच रही थी। पाप पाप होता है, चाहे वो मजबूरी में किया जाए या जानबूझकर, और तुम्हें अपनी पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। भगवान के लिए पुलिस को फोन मत कीजिए। अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो वो कातिल सचमुच मेरे भाई को मार डालेगा। प्लीज। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम सच कह रही हो। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। राधा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। राजन। यस सर। कल के अखबार में यह खबर छपवा दो। कैसी खबर सर? एक गुमनाम लाश की। राधा। सुनील, तुम? राधा, कानून को तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनील, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अखबारों के जरिए चारों तरफ ये खबर फैला दी है कि रूपा जिंदा है और आज भी उसी खंडर में अपने प्रेमी के इंतजार में विरह के गीत गा रही है। मैं जानता हूँ राधा कि कातिल रूपा का प्रेमी है और उससे मिलने खंडर में जरूर जाएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। आज की रात तुम्हें रूपा बनना होगा। दिल मेरे सामने है राजन। तो फिर इंतजार किस बात का है सर? कातिल का।
रूपा, रूपा, मैं जानता हूं तुम कहां छुपे हो। मैं तीन तक गिनूंगा, मेरी गिनती पूरी होने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एक, दो, तीन। तुम अगर मेरी एक लाश बिछाओगे तो मैं छह लाशें बिछाऊंगा। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो इंस्पेक्टर। तुमने यह सोचा कि रूपा का जाल फैलाकर तुम मुझे कानून के चौखट में जिंदा गाड़ दोगे। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ठाकुर जसवंत कुमार के खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। कैसा इंतकाम? रूपा का इंतकाम। रूपा और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। हमारी शादी होने वाली थी लेकिन उस कमीने ठाकुर जसवंत कुमार ने उसकी इज्जत लूट और तुमने ठाकुर को मार डाला। हाँ, मैंने उसे मार डाला। रूपा की आत्मा का जाल फैलाया। हाँ, जगन्नाथ को रुपयों की जरूरत थी। मैंने उसकी जरूरत पूरी कर दी। समझ गया ना जगन्नाथ? सब समझ गया। काम करते जाओ, नोट लेते जाओ। और जगन्नाथ ने तुम्हारी? मैंने जगन्नाथ के जरिए राधा को धमकी दिलवाई कि अगर उसने रूपा के आत्मा का ढोंग नहीं रचाया तो उसके छोटे भाई राजू का कत्ल कर दिया जाएगा। और इस नंगे नाच के पीछे तुम खून की होली खेलते रहे और यह समझते रहे कि तुम कानून की नजरों से बच जाओगे। नहीं, मैं जानता था कि कानून साये की तरह मेरा पीछा करता रहेगा। इसलिए जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया, तुम्हें गुमराह करने के लिए मैंने जगन्नाथ की मदद से दुनिया की नजरों में अपने आप को मार डाला। जब मुझे पता चला कि तुम जगन्नाथ को पकड़ लोगे तो मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। किसी न किसी तरह यह राज गुलाबों को पता चला, मैंने उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन गुलाबों को हवेली में किस चीज की तलाश थी? उन कागजात की, जिससे इसे अपनी जमीन वापस मिल जाती। लेकिन सुनील, ये लॉकेट के पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि उस लॉकेट में रूपा की तस्वीर के पीछे इसकी तस्वीर थी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया रंजीत सिंह। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं रंजीत सिंह। मैं एक दिन तुम्हारी मां से जाकर मिला। और मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम श्यामलाल नहीं रंजीत सिंह है। फिर मैं उस डाक बंगले में गया जिसके रजिस्टर में तुमने अपना नाम श्यामलाल लिखा था। मैंने तुम्हारी हैंडराइटिंग उस खत की हैंडराइटिंग से मिलाई जो मुझे एक रात इसी खंडर में तुम्हारा पीछा करते हुए मिला था। दोनों हैंडराइटिंग एक ही थी। लेकिन सुनील साहब, अब तक तो मैं यही सोचता रहा कि हमारे फार्म का मैनेजर रंजीत सिंह कातिल है। नहीं विजय कुमार, इसने तो मौके का नाजायज फायदा उठाना चाहा।
ये कातिल नहीं, ये तो चीटर है। ये मिसेस जसवंत कुमार को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठता रहा, ये कहकर कि ये उनके पति के कातिल को लाकर उनके सामने खड़ा कर देगा। तुम्हारे फार्म से घोड़े भी चुराता रहा। पुलिस से बचने के लिए इसने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को रिश्वत भी दी थी। कातिल को फांसी तो होगी, ये भी अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। हैंड्स अप। You are under arrest.